से भी उसको बात करने के लिए, उसने सारी दुनिया से मौन रख दिया है, उसके लिए उसके अंदर से ब्रह्म ज्ञान निकलता है। तो गुंगो ज्ञान कथे, गुंगा जो वो ज्ञान बोलता है, तो गुरु गुंगा है, दुनिया से गुंगा हो गया, मौनी है, अंदर बाहर मौन है, संकल्प विकल्प से रहता है, माया से रहता है, उसका दिल दिमाग खाली है, इसके लिए वो गुंगा बन गया। तभी उसके अंदर से ये ज्ञान निकलता है निराकार का, जो माया से मिक्स है, वो चाहे कितना भी ज्ञान सुनाए लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी भी माया है, थोड़ी भी अभिलाष है, इच्छा है, कोई भी रस है इंद्रियों का, कोई भी सुख लेता है, तो उसी के ज्ञान में कभी भी अट्रैक्शन होएगा नहीं, उसका ज्ञान तुम्हारे भीतर जाएगा नहीं। जो गुंगा होएगा, जो मौनी होएगा, अंदर बाहर से मौन है, जिसको अंदर भी संकल्प विकल्प से रहता है, द्वैत से रहता है, और बाहर से भी मौन है दुनिया वाले से, ज्ञान के साथ कोई दूसरा लफ्ज उसी के निकलता ही नहीं है मुख से, तभी वो हो गया गुंगा। तो गुंगो ज्ञान कथे, गुंगा ज्ञान सुनाता है, बुधाए बोड़े है, जो सुनने वाला है वो बोड़ा होना चाहिए, बैरा होना चाहिए, दुनिया के सभी मत मतांतर से बैरा, कोई भी मत सिद्धांत शास्त्र वेद उसी से बैरा होना चाहिए, खाली गुरु का ज्ञान सुनो, केवल गुरु में ही श्रद्धा रखे कि गुरु, गुरु में वादू ईश का धारे शिष्य वैसा, गुरु में ईश्वर से भी जास्ती शिष्य का वैसा होना चाहिए, गुरु में वादू ईश का धारे शिष्य वैसा, पंडित पण गुण प्रेम बिन लयन आत्मरा, पंडित होवे विद्वान होवे शास्त्रचारी वेद शास्त्र कंठ होवे, तो भी गुरु का अगर उसको प्रेम नहीं है, गुरु से सच्चा प्रेम नहीं है, तो आत्मा का रास्ता उसको मिलेगा, गुरु के प्रेम में तुम्हारा अहंकार जाएगा, अहंकार गया तो तुम आत्मा हो, और शास्त्र वेद पढ़ने से अहंकार नहीं जाता, गुरु तो तुम्हारी मुंडी मरोटेगा अहंकार की, कि मैं क्यों किया, अपनी इच्छा क्यों चलाया, तुम्हारी मैं किधर है, तुम है ही नहीं, अभी मैं रहूंगा तुम नहीं रहूंगा, तुम्हारा मन नहीं रहेगा मैं रहूंगा, तो तुम्हारी इच्छा तुम्हारा अहंकार सब खलास हो जाता है, जब गुरु का राज तुम्हारे दिल में होता है तो तुम्हारा अहंकार चला गया, तुम भी गुरु के प्रेम में होएगा तो तुम अपना अहंकार दबाए, बोलेगा मैं अपनी मैं रख के क्या करूंगा, ये झूठी मैं से तो सारी उम्र चला, झूठी मैं नहीं जन्म मरण के चक्कर में लाया, अभी कितना दिन हम झूठी मैं करेगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मेरी ये चाहना है, मेरी ये मर्जी है, मेरा ये मतलब है, अरे मेरा कोई मतलब ही नहीं है, कोई मर्जी नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई अहंकार नहीं। तो ऐसा बुधाए बोड़े के, ऐसा जो बहरा हो गया है दुनिया के बातों से और शास्त्र वेद मत मतांतर से, कोई भी शास्त्र वेद तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा तो गुरु से बैसम बैसी करेगा, नम्रता भाव से पूछेगा नहीं, बैस करेगा, नहीं नहीं हमने तो ऐसा पढ़ा है, हमने तो ऐसा सुना है, फलाने वेद में ऐसा लिखा पड़ा है, फलाने शास्त्र में ऐसा लिखा पड़ा है, मेरी मत ऐसा कहती है, मैंने तो ऐसा सुना है बड़ों से। तो ये मत मतांतर बड़े की बात, दुनिया की बात, जिससे वो बहरा हो गया वो ज्ञान सुनेगा, ऐसे बहरे को गुरु जो है वो ज्ञान सुनाता। तो गुंगो ज्ञान कथे बुधाए मोड़े के पिंगु चढ़ो पर्वत थे। अभी पिंगला, जो पिंगला आदमी हो गया माना इंद्रियों के रस से पिंगला, एक भी इंद्रिय उसका बाहर से रस नहीं लेती है, पिंगुली हो गई, इंद्रियों को चला ही नहीं सकता है, बाहर देख नहीं सकता है, बाहर खा नहीं सकता है, बाहर से बोल नहीं सकता है, बाहर जा नहीं सकता है, कहां भी, सारी दुनिया उसकी छूट गई, बाहर का रस जिसका छूट गया वो पिंगुला हो गया इंद्रियों के रस, वो चढ़ता है आत्मारूपी पर्वत पर, पिंगु चरे पर्वत पर, जो आत्मारूपी परमात्मा रूपी पर्वत है, पहाड़ है, तो उधर चढ़ने वाला जो है वो पिंगुला है, जिसको कोई भी इंद्रिय का रस नहीं है, पिंगुला बन गया वो इस आत्मा के पहाड़ पर चढ़ता है। पिंगु चढ़ो पर्वत थे अंधो दिसी ठरे, जो अंधा हो गया दुनिया से, जो माया देखता ही नहीं है, जगत देखता ही नहीं है, वो अंधा हो गया, वो अंधा आत्मा को देख के और बहुत खुश होता, अंधो दिसी ठरे, जो अंधा हो गया, जिसकी आंख बंद हो गई जगत से, नाम रूप को देखता ही नहीं है, माया को देखता नहीं है, कोई पदार्थ नहीं देखता है, किसी नाम रूप को करके नहीं देखता, किसका नाम रूप अंदर नहीं है जिसके, जो अंधा हो गया भगवान के सिवा कुछ नहीं देखता है, एवरीथिंग इज गॉड एवरीवेयर इज गॉड, भगवान जानता है, हर चीज भगवान है, हर रूप भगवान है, हर टाइम में वो भगवान ही देखता है, एक एक श्वास में भगवान देखता है, एक एक श्वास जो अंदर से उठता है उसमें परमात्मा का ही प्रेम है, एक एक जो है उसमें गोविंद है, परमात्मा है, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, एक एक श्वास में वो सिमरन करता है आत्मा का। तो ऐसा अंधा हो गया जो जगत देखता ही नहीं है, जो जगत का ख्याल कर,
जगत का जो भ्रम है जिसका निकल गया, जो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो अंदर आत्मा को देख के अपने अंदर आत्मा का दर्शन करके और खुश हो जाता है। जैसे कमल का फूल ऐसा खिल जाए तैसे तुम्हारा मन भी खिल जाता है। फूल जैसे ऐसा खिला हुआ फूल तुमने देखा है ना, ऐसा तुम्हारा मन खिल जाए जब दुनिया से अंधा होएगा। तो यही बोलता है ब्रह्म ज्ञानी जो है वो गूंगा है, और जो सुनने वाला है वो बहरा होना चाहिए, और रसों से दूर होना चाहिए, पिंगला होना चाहिए और अंधा होना चाहिए दुनिया से, तभी उसको आत्मा का दर्शन होता है और उसका मन जो है वो शांत हो जाता है। जिस दिन तुमने आत्मा का दर्शन किया उसी दिन मन का मौत हो गया। मामा बड़े मने मरी गुरु जे दर्शन सा, मैं जो हमारी होती थी, मैं कुछ हूँ, जैसे ही गुरु को देखा, अरे गुरु ही अपनी मैं छोड़ के बैठा है। इतना बड़ा गुरु होके इतना निम्रता करता है, एक के आगे झुकता है, एक पत्थर के आगे भी झुकता है, चरण के आगे भी झुकता है, सबके आगे झुकता है, निम्रता करता है, तो हम कौन है, हम कौन सी चीज है। इतना बड़ा गुरु एक बच्चा होके बैठता है सबके आगे, कोई उसको गाली भी दे जाए तो भी बोलता है क्या हुआ, कोई उसको दाढ़ी से खींचे तो भी बोला क्या हुआ, कोई ओवर रूल करके बोले तो भी बोलता है क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है, हम कुछ है क्या, हम कोई गुरु है क्या, किसका भी हम गुरु नहीं है, कोई बड़ा आदमी हम नहीं है। जैसा तू है तैसा मैं हूं, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। गुरु के अंदर गुरु का अभिमान नहीं है कि मैं कुछ बड़ा हूं, मैं कुछ समझू हूं, मैं कोई ज्ञानी भी हूं, मेरे को कुछ आता भी है। सिंपल, जैसे अज्ञानी चलता है अज्ञान में तैसा ज्ञानी चलता है ज्ञान, अज्ञानी अपने स्वभाव में नेचुरली चलता है ना, तैसे ज्ञानी अपने स्वभाव में नेचुरल चलता है। ज्ञान का स्वभाव क्या है, ज्ञान का स्वभाव है निम्रता, प्यार, विश्वास, अपनी आत्मा में विश्वास, सब में आत्मा देखना, सबके आगे वो कुछ भी नहीं होके चलता है। आपस कहो कर कुछ न जनावे, सो पंडित फिर जून न पावे। जो अपने को कुछ भी करके नहीं जनाता है कि मैं कुछ हूं, वो पंडित फिर जून नहीं पाता है। तो ऐसे गुरु को हम देख के, निरंकारी जो गुरु है उसको हम देख के और अपनी मैं भुला देते हैं। मैं हमारी मरेगी तब जब गुरु का दर्शन होगा सच्चा, कि गुरु अपनी मैं में नहीं है, हम कैसे मैं करें, हम कैसे अपनी चलाएं। गुरु ईश्वर इच्छा पर चलता है, हम अपने मन से कैसे चलें, हम भी ईश्वर इच्छा से चलें, हम भी गुरु के इच्छा से चलें। तो जैसे जैसे हम गुरु को देखेगा, गुरु का आदर्श देखेगा, तैसा हम होता जाएगा, पता भी नहीं लगेगा तो हम कैसे हो गया। जो हरि को ध्याय हरि रूप बन जाए, जिस जिसको हम ध्याता है, जिस जिसको हम ध्यान में रखेगा उसका रूप बन जाएगा। एक मर्द एक औरत का ध्यान करता है, स्त्री लड़की का ध्यान करता है तो उसका रूप बन जाता है, बिल्कुल सारा दिन वही याद है, जैसे उसके साथ ही बैठा, ऐसा होता है ना। ऐसी तरह से हम जब भगवान से इतना प्यार रखेगा, गुरु से इतना प्यार रखेगा तो गुरु हमारे साथ ही बैठे। तो जब गुरु रह जाता है हम बीच से निकल जाते हैं, हम भूल जाते हैं अपने को, हम नहीं है, इधर है ही भगवान, मैं ना, मैं हूं ही नहीं। ऐसा कसम उठाओ रोज, मैं हुई नहीं तो ख्याल क्या करूं, मैं हुई नहीं तो बात क्या करूं, किसके लिए बोलूं, क्या बोलूं, जगत कहाँ है, नहीं मैं हूं, नहीं तू है, नहीं ये है, नहीं वो है, तो जगत ही बंद हो गया अंदर से। ये जगत का जो चक्कर चलता है वो एकदम शांत हो जाता है। जिसके मन में परमात्मा विराजमान हो जाए कि मैं भगवान हूं, इधर भगवान है लेकिन मैं शरीर नहीं, ये शरीर का जो कॉन्शियसनेस है, जो शरीर का अभिमान है वो तुम छोड़ो। दिन ब दिन ये जो मन है उसको तुम उसकी बात ही नहीं सुनो। जो देह है उसके साथ मन भी है, मैं देह ही नहीं हूं तो अंतःकरण भी नहीं है। जिसके अंदर अंतःकरण है वही जन्म मरण के चक्कर में लाता है। मन में ख्याल चलता है, बुद्धि निश्चय करती है। अगर बुद्धि है द्वैत वाली, देह बुद्धि है तो निश्चय क्या करेगी, रंग निश्चय, जगत के पीछे तुमको लेके जाएगा। मन बोलेगा ऐसा है, बुद्धि बोलेगी हाँ हाँ ऐसा है। मन बोलेगा ये दुश्मन है, बुद्धि बोलेगी हाँ। मन बोलेगा इधर चलो, बुद्धि बोलेगी हाँ चलो। तो बुद्धि भी तुम्हारी माया भी बुद्धि है, क्योंकि देह बुद्धि है, ध्यास वाली बुद्धि है, तो तुमको माया में घसीट के लेके जाएगी और बोलेगी हाँ हाँ ये राइट है। गीता में लिखा पड़ा है तमोगुणी बुद्धि क्या है, राइट को रंग, रंग को राइट समझने वाली तमोगुणी बुद्धि। जो रंग बात है माया की उसको बुद्धि बोलेगी राइट है। मन बुद्धि को बोलेगा भाई ये बात ऐसी है, बुद्धि बोलेगी हाँ। मन बोलेगा इधर चलो, उधर चलो, बैर रस है, बैर मजा है, बैर ऐसा है। मन लोग किसी ने किसी में दोष दिखाएगा, बुद्धि बोलेगी हाँ बड़ा बढ़िया दोषी। तो यह तमोगुणी बुद्धि, देह ध्यास की बुद्धि जो है वो तुमको माया सत्य करके दिखाएगी, दुनिया सत्य करके दिखाएगी, और जग ये परमात्मा को असत करके दिखाएगी। जो परमात्मा सत्य है बुद्धि बोलेगी नहीं नहीं ये सत्य क्या है, ये बातें सत्य थोड़ी है, सत्य है जगत, चलो उधर मजा लो।
जब मन बुद्धि हम गुरु को देगा तो गुरु शुद्ध बुद्धि बना देता है। शुद्ध मन वाले को ये ज्ञान जल्दी लग जाता है, हमारे मन को भी शुद्ध करता है, हमारी बुद्धि को भी शुद्ध करता है, निश्चय आत्मक बुद्धि बना देता है। एक है संशय आत्मक बुद्धि, जब तुम जीव है, जब तुम देह है तो तुम्हारे अंदर संशय है, बुद्धि में संशय रहेगा, कोई ना कोई भ्रम रहेगा, कोई ना कोई बात आएगी, ऐसा क्यों नहीं सवाल आएगा, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होना चाहिए। जो गुरु बोलेगा ना, अंदर मन बोलेगा ऐसा क्यों। ये मन और बुद्धि तुम्हारे अंदर जब तक है, देह ध्यास है, तो मन और बुद्धि तुमको सताएगा, तुमको दुखी करेगा, माया में लेके जाएगा। और गुरु को झूठा और जगत को सत्य करके जानेगा, अपने को सच्चा करके मानेगा और भगवान को झूठा करके मानेगा। ये असत बुद्धि, देह की बुद्धि। और शुद्ध बुद्धि वाले को परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, जिसको निश्चय आ जाए। निश्चय आत्मक बुद्धि का एक ख्याल है, गीता में भगवान ने बोला है, जिसने निश्चय किया है आत्मा में वो एक ही ख्याल में रहता है, उसको दो चार आठ ख्याल सताता नहीं है, क्या करूं, इधर जाऊं, कैसा करूं, ये मुझाता नहीं है उसको क्या। निश्चय आत्मक बुद्धि वाला एक ही ख्याल है, तो गुरु वाक्य सत्यम, बस मेरे को जगत वाक्य सत्यम नहीं, मन वाक्य सत्यम नहीं करने का है, गुरु वाक्य सत्यम करके आत्मा के रास्ते पर सीधा चल गए। जैसा गुरु बोले, जैसा इशारा करे, तैसा चलने का, तो बस उसका एक निश्चय हो गया, एक ख्याल हो गया। और जो गुरु के ख्याल पर नहीं चलेगा, उसको हजार ख्याल आएगा, वो दुखी होकर मरेगा, लाख ख्याल जन्म में आएगा, क्योंकि उसने डोरी गुरु को नहीं दिया। तो गुरु जैसे तुम चलाओ बस, हम नहीं चलेगा अपनी मर्जी पर, तुम बोलो उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, सो तो सो, खाओ तो खाओ, चलो तो चलो, बैठो तो बैठो। अरे गुरु भी तुम्हारी आज्ञा में चलता है, तो तुम गुरु की आज्ञा में क्यों नहीं चल सकेंगे। पहले गुरु तुम्हारे को अपनी आज्ञा में चल के दिखाता है, भाई तुम मेरे को उठाओ बैठाओ, हम देखो बैठते हैं, तो वो तुम्हारी आज्ञा में चल सकता है, क्योंकि उसको मन अपना नहीं है, इच्छा अपनी नहीं है, वासना अपनी नहीं है, मन का हठ जिद भी नहीं है, तुम जैसे वो बोलो तैसे वो कर सकता है, ऐसा मोड़ सकता है अपने को। तो जैसे तुम भी देखो तो तुमको भी ऐसे ही मोड़ने का। तो निश्चय बुद्धि वाले का है अर्जुन एक ख्याल है, संशय बुद्धि वाले का लाख ख्याल। जो देह में है वो संशय बुद्धि वाला, देह में तुम रह के कभी भी निश्चय नहीं कर सकेगा, तो राइट क्या है, रंग क्या है, मैं कौन सा रास्ता जाऊं, ये राइट है कि ये रंग है, कभी मन बोलेगा ये राइट है, कभी बोलेगा ऐसा करो, कभी बोलेगा ऐसा नहीं करो, मुंझा के तुम्हारे। इसके लिए हमको गुरु रखना पड़ता है, जहां जहां मोह जावे गुरु को पूछो भाई क्या करना चाहिए इस बात में, भाई ऐसा करो ऐसा नहीं करो, ठीक है बस, गुरु ने बोला ऐसा करो, जाके जंप दियो, एक गुरु ने बोला शिष्य को जाके उधर पेड़ के ऊपर चढ़ के उधर से जंप दियो, तो शिष्य हैरान हो गया, बोला गुरु क्या बोलता है, बेचारा धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ के बैठा, बोला गुरु आके सत्यम करे। जब पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा, जब ऊपर से गिर रहा था, तो गुरु को बोला गुरु जी मैं तुम हुआ, अभी मैं तुम हुआ, बोला नीचे उतर के आओ, मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ, तुमने मनता किया मना तुम भगवान हो गए। मनता वाला जो मन को जिसने मनाया, गुरु आके सत्यम किया, वो उसी टाइम खुद खुदा हो। एक दिन गुरु नानक साहब ने अपने बेटे को बोला तो लोटा लेके आओ, चिक्कड़ में गप्पू कीचड़ में पड़ गया था लोटा, उसने बोला क्यों लेके आए, हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, ये गुरु है कौन है, बात कौन सी करता है, कीचड़ में भेजता है तो लोटा लेके आओ, ये नहीं समझता हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा, क्यों हम जाए। गुरु को बोला नहीं हम तो नहीं जाएगा भाई, लेने को बोला तो लोटा लेके आओ, जो उसका शिष्य था लेना, वो एकदम उसको बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस पड़ी थी, वो लेना शाहूकार था, सेटिन की ड्रेस पड़ी थी साड़ी बहुत अच्छी, एकदम उसी कीचड़ में ऐसा घुस के चला गया और लोटा लेके, लोटा लेके आया तो साहब ने जो उसके बेटे ने गुरु नानक साहब का बेटा था, औरत थी, ये सब बच्चे थे घर में, उसने बोला अरे लहने को तो क्या कर दिया इसने, गुरु नानक ने इतना कीचड़ में उसको डाल के इसका कपड़ा ही खराब कर दिया, और वो भी ऐसा बेवकूफ गुरु के कहने पर जंप दे के और लोटा लेके आया। लेकिन गुरु नानक ने बोला हमारी नजर से देखो तो लहने का कपड़ा केसरी रंग का हो गया, वो लालो लाल हो गया, अभी हमारे शक्ल हमारे आंख से देखो तो हम तो उसको बोलते हैं लालो लाल हो गया, एक मनता किया लालो लाल हो गया, तो उसके कपड़े को देखते हैं और उसका मन रंग गया, काली गुरु का कहना मना मन ही रंग गया, लाल हो गया, तुम काले का काला रह गए। तभी उसके अंदर से शंका दूर हो गई, क्योंकि उसको शंका थी तो गुरु नानक साहब लेने को जाती प्यार करता है, हमारे को कम प्यार करता है, क्यों हम भी उसके बच्चे हैं बहुत अच्छे, बोला हमारे मनता में कौन है देखो। एक दिन गुरुओं के बात में आता है कि दो नाथी था, दो दामा था गुरु का, और दोनों सत्संग में आता था, तो ये बड़े को जास्ती प्यार करता था गुरु, छोटे को कम, तो सारी दुनिया बोलती थी इसको कम और जास्ती प्यार क्यों करता है गुरु, बोला हम कम और जास्ती नहीं करते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा जैसा उसका विश्वास है ऐसा गुरु से प्रेम उसको मिलता है,
तो बोला अच्छा मैं दिखाऊंगा एक दिन, तो कम जाती क्या क्या होता। एक दिन एक नाठी को बोला ये थला बनाओ, ईट का थला बनाओ। 2 मिनट के बाद बोला थला हटाओ, मिटाओ, उकेर दियो। फिर उसने उखेरा, फिर बोला बना, फिर बनाया, फिर बोला उखेरो, फिर उसने उखेरा। फिर दूसरे नाठी को बुला बुलाया, बोला ये थला बनाओ, ईट का थला है, सीमेंट डाल के थला बनाओ। फिर बोला उखेरो, बोला बेवकूफ है क्या, ये गुरु है। एकदम उसको शंका आ गई, बोला क्यों उखेरे, इतनी मेहनत करके हमने बनाया है, आखिर गुरु क्यों उखेरे। बोला चलो तुम फेल है, निकलो इधर। क्यों और क्या, कब और कैसे, गुरु से सवाल नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी बुद्धि है, ये जो है अहंकारी बुद्धि, जो क्यों और क्या बोलती। लेकिन सत्य बुद्धि जो है वो गुरु, गुरु इतना होशियार, इतना जिसको हमने गुरु माना वो भगवान हुआ, उसकी बात कैसे रंग हो सकती है। क्यों नहीं समझे, ये परीक्षा ले रहा है हमारी बुद्धि की, भाई देखो ये थकता है, ये बोलता है तो गुरु बेवकूफ। उसने बोला हमको बड़े काम करने का है, हमको सेवा करने की है, थल्ला बनाओ या बिगाड़ो, बनाओ या बिगाड़ो, हमको सेवा करने की। हम क्यों समझे, हमने बनाया, हमने मेहनत किया, गुरु तुमने ही तो बनाया, तुम्हारे को ही तो थक होता है, ये शरीर भी तुम्हारा ही तो है, हमारा थोड़ी शरीर है, हमने शरीर भी तुमको दिया, मन भी तुमको दिया, धन भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, ये मेहनत भी तुम ही कर रहे हैं, सब बात को फेस तुम कर रहे हैं, हम है कहाँ, तुम्हारी तो शक्ति हमारे से करा रही है। हम कैसे बोले हमने थला बनाया, फिर हम कैसे उसको बिगाड़े, हम है कहाँ, तुम ही तो है। तो सारी संगत को बताया तो तुम्हारी शंका निवृत्त हुई, छोटे नाठी को कम प्यार करता है बड़े को, बड़े को और छोटा हमारे सामने थोड़ी है, हमारे हमारे लिए थोड़ी किसको कम और जाती प्यार है हमारे अंदर में, हर एक अपनी अपनी भावना से प्यार लेके जाता है, हम किसको देता भी नहीं। सागर तो सागर ही है, भरपूर है, जितना तुम छोटा लोटा लेके आएगा या कटोरा लेके आएगा या पीप लेके आएगा या खुद सागर में डूब के मरेगा, वो सब तुम्हारे ऊपर है। सागर तो सागर ही है, अकर्ता दृष्टा, सागर के अंदर में कुछ भी नहीं है, मैं इसको पानी पिलाऊं कि नहीं पिलाऊं, बरसात सबके लिए एक जैसी उतरती है, बरसती है, सूरज सबके लिए एक जैसा है, हवा सबके लिए एक जैसी चलती है। हमारा मतलब है हम वेस्ट का गढ़ लेगा तो हवा आएगी, हम ईस्ट का गढ़ लेगा तो हवा नहीं आएगी, हमारा ये हवा का क्या दोष। ऐसी तरह से हम दरी खोलेगा तो भगवान अंदर आएगा, हम दरी बंद कर देगा तो भगवान कहां से आएगा। तो ये मामा वने मरी गुरु ये दर्शन सा, ये मतलब ये है, गुरु का हम जैसे दर्शन करेगा, अंदर क्या है गुरु, कितना दीप है, इसको कितनी करुणा है, अब हमारे उद्धार के लिए इसको कितनी करुणा है, हमारे लिए क्या सोचता है, हमारा कैसे करुणा निदान है, कैसे इसको दर्द है हमारे लिए, जन्म मरण के चक्कर में नहीं चला जाए, जो भी हमारे दरवाजे पर आया है ये नीचे उतरेगा सीढ़ी और मर जाएगा, हमारे ऊपर दोष है। भगवान पूछेगा ये तुम्हारे पास आया था, तुमने इसको ज्ञान दिया, सच में चुकाया, सच्ची पढ़ाई करवाई, क्या इसके मन में था, क्या इसके दिल में था, तुमने इसे मन लिया, दिल लिया, इसको ज्ञान सुनाया सच्चा, इसको मुक्त किया। तो गुरु का काम है पूरी तरह से मेहनत करना, पीछे शिष्य को शिष्य चाहिए क्या भी जाके पढ़, लेकिन हमारे तरफ से हमको निराकार का भी दंड है, तो तुम पूरी पूरी अच्छी तरह से सबसे पढ़ाई कराना, सबको एक जैसा प्यार करना, किसी को भी कमती किसी को भी जाति नहीं मिलेगा, वो तुम अपने अपने शंका से जो है भ्रम से कुछ भी समझो, लेकिन गुरु के अंदर कोई भी अंदर किसी के लिए भी कम जाति है ही नहीं, सबके लिए एक जैसा प्यार, कोई भी फेवरेट अनफेवरेट, कोई नजदीक कोई दूर, कोई यही नहीं, कर्मी आपो अपनी के नेरे के दूर, अपना अपना कर्म अपना अपना हिसाब किताब, तुम्हारा अंदर का जो है उसी से तुम जाती नजदीक है कोई दूर है, कोई कट्ठा रह के भी बोलता है मैं दूर हूँ, कोई दूर रह के बोलता हूँ मैं तो मिला पड़ा। तो कितना भी दूर कोई होवे, कहां भी बैठा रहे, लेकिन मन है भगवान में, मन है ज्ञान में, और ये ज्ञान का काम करता चलता है, सबको ये प्यार करता है, सबको ज्ञान सुनाता है, वो जैसे मेरे में मिला पड़ा। तो गुरु का ज्ञान समझ के गुरु को अंदर बिठा के और सबको ज्ञान देता है, तो अपनी मैं नहीं करता है, तो उसका अहंकार चला गया, मैं मर गई, भाई ये गुरु की वाणी चल रही है, हमारे मुख से गुरु बोल रहा है, हम कहां से माँ के पेट से नहीं लेके आया कोई ज्ञान, जो हम अहंकार करेंगे मैं ज्ञानी, ज्ञान कहां से आया, ज्ञान तो गुरु ने दिया है, तो गुरु का ही ज्ञान है। तो अभी भी मैं नहीं कर सकते हैं, चाहे ज्ञानी बन गया चाहे कुछ भी ब्रह्म ज्ञानी बन गया, तो भी गुरु को हम आगे रखेंगे तो हमको कभी अहंकार नहीं आएगा, कितना भी बड़ा हो जाए तो भी भाई ये ज्ञान किसका है, बोलने वाला कौन है, सुनने वाला भी कौन है, ये भी भगवान है, कोई शिष्य है क्या हमारा, शिष्य और शिष्य इधर कोई नहीं होता, हम तो सबको भगवान करके देखता है, भगवान आता है भगवान जाता है, हम तुमको इतनी इज्जत देता है अपने से भी जाती, भाई ये भगवान आया है,
भगवान को अच्छी तरह से बिठाओ, और इनको ठंडी न लग जाए, और को इसको टाइम पड़े सब बंदोबस्त करके दियो, इसको तकलीफ नहीं होवे कोई। जैसे भगवान को हम ट्रीट करते हैं तैसे हम तुम्हारे से ट्रीट करते हैं। कोई इधर भी शिष्य सेवक गुरु शिष्य ये वो भगवान भगत है ही नहीं। भगवान और भगत भी दो हो गया ना, जहाँ दो है तहाँ बिछड़ा है बिछोड़ा है, हमें जरोना दोना है भाई, हम जुदा तुम जुदा, अरे मिलके एक हो जाओ। लहर हमेशा अकेली रोती रहती है तो मैं सागर से जुदा हूँ, ये भ्रम में आके और सागर से जुदा होके रोती है। लहर जाके सागर में पड़े, अपना जो है हस्ती गंवाए, अपनी खुदी गंवाए, अपना जो अकेलापन है जुदाई जुदाई है वो अपनी दूर करे और सागर में लीन हो जाए। तो गंगा सागर में मिली, गंगा सागर हो, गंगा जी जैसे सागर में मिलती है तो गंगा जी अपना स्वभाव जो मीठा है ना वो भी कड़वा कर देती है, खाड़ा कर देती है, अपने सागर का रूप सागर का गुण गंगा जी में आ जाता है। गंगा जी छोटी थी सागर में पड़ी तो बड़ी हो गई, मीठी थी तो सागर में पड़ी कड़ी भी हो गई, खारी हो गई, सब अपना गुण स्वभाव ये वो सब बदली कर दिया। अभी गंगा जी को निकाल के आओ सागर से हम देखे है। तो जीव जो है अपना जो है छोटा जो है ये अस्तित्व जो है हस्ती वो गंवाए और भगवान में लीन हो जाए, पीछे उसको भगवान से जुदा करके आओ। भगवान से जुदा होगा बोले मैं ऐसा मिला पा रहा हूं जैसे मैं पानी में आटा, जैसे दूध में शक्कर मिल गई गल गई, मुझे लेके आओ शक्कर को निकाल के आओ। तिल जो है वो तेल हो गया, अभी तिल को निकाल के आओ। ऐसी तरह से जो जीव पड़ा है अपना उसको तुम बिल्कुल गुम कर दियो भाई, आज से मैं जीव नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ, फलानी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो तुम्हारा ये जो गुण दोष है ना, जो जीव पड़े का जो दोष है वो भी निकल जाए, और परमात्मा का जो गुण है वो तुम्हारे में आ जाए। है पहले से ही लेकिन छिप गया है, वो गुण प्रगट हो जाएगा कि मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ माना सम दृष्टि वाला हूँ, भगवान माना निरीक्षा, भगवान माना निष्काम, भगवान माना प्रेम सहित, भगवान माना एक एक के आगे झुक सके वो भगवान है, भगवान माना जो पातल भी उठा सके, जूठा खाना भी उठा सके, इतनी कम से कम सेवा भी कर सके, भगवान माना किसका कमोट भी उठा सके। हमारा दादा चला उधर मैथेरान में, उधर एक माई थी बहुत सारे शरीर में उसको दर्द था, तो वो कमोट पर बैठती थी ऊपर, तो एक दिन भंगी आया ही नहीं, तो दादाजी अंदर गया और सारा कमोट साफ करके और बाहर निकल गया। हमने समझा चलो जमानदार आया होगा, सबने बोला अरे जमानदार किस टाइम आया, कब भी आया, हाँ जो आया ही नहीं था, कौन सफाई करके आया, कौन सफाई करके आया, मिले ही नहीं कौन करके आया। पीछे किसी ने देख लिया था दादाजी अंदर से निकल रहा था, तो माई रोने लगी, बोलने लगी गुरु का इतना बोझ हम उठाए, गुरु होके हमारा कमोट साफ करे, ये कमती में कमती सेवा गुरु करे। बोला क्या हुआ, हम अपने बच्चे का नहीं कमोट उठाते हैं छोटेपन में, तुम भी हमारे सब बच्चे हैं, कौन सी भी सेवा किया तो क्या हुआ, वो कपड़ा धोवे, वो बर्तन करे, वो झाड़ू करे, वो सबको खिलाए, वो सबको प्यार करे, भाई हम सब तुम्हारे है, तुम हमारे है, हम तुम है, तुम हम है, दो नहीं है। तो ये द्वैता के गुरु ने हमारा निकाला, भाई तुम जुदा हम जुदा नहीं है, दो नहीं है, दो करके तुम हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा जुदा रहेगा, कोई ना कोई बात छिपाएगा और तुम वो छिपी हुई बात जन्म मरण में लेके जाए। लेकिन जब गुरु के प्रेम में हम गुम हो जाता है तो बोलता है छिपाए तो किससे छिपाए, क्या छिपाए, ये मन ही तो गुरु ने दिया है, ये शरीर भी गुरु का है, गंदा बंदा नीच पापी सब गुरु का ही तो है, जिसकी वस्तु उस आगे रखे प्रभु की आज्ञा माने मात्र, जो वस्तु दिया ही गुरु ने वो वापस उसको दियो, ये तन मन धन गुरु का है भगवान का है तो उसको वापस दियो ना। तन अपने साथ रखेगा, मन कितना गंदा अपने साथ रखेगा, धन अपने साथ रखेगा, ये तीन ही चीज तुमको खाएगी, भूत की तरह आएगी। ये तन का अध्यास, ये मन का जो है जो भी संकल्प विकल्प है, जो भी ख्याल है, और धन का अहंकार, ये गुरु को देना पड़ता है, तभी हम खाली हो जाएंगे, और खाली मन में आके भगवान बैठते, खाली दिल में आके भगवान बैठता, साफ थी वही दिल तुझी जनई अच्छी छाई दो आसन बने, जब साफ दिल हो गई तो परमात्मा आसन जमा के आके अंदर बैठते, पीछे निकलेगा ही नहीं, तुम जगह उसको दियो तो अंदर आ जाएगा, माफी नहीं देना। लेकिन हमने जो संत का संग किया, गुरु का संग किया, तो गुरु के संग का असर क्या होता है, तो गुरु के संग से सूरी भी कांटा बन जाती है, चाहे सूरी आई भी समझो सदा आई भी, तो भी संत के संग से कांटा कांटा भी नहीं लगा। संत का संग जो है वो मस्तक की रेखा मिटा देता है, और करतार के कई को मिटा देता है, करतार ने सूरी भेजी लेकिन गुरु के संग में सूरी लगी नहीं, करतार ने कर्म का फल दिया, गुरु के संग में फल लगाई, कैसा भी बुरा फल कैसा भी कर्म का फल निकला, लेकिन गुरु का जो संग किया तो प्रभु कैसे मरण दुख न, ऐसा स्मरण करा दिया गुरु ने,
जो फांसी पर लटकने वाला आदमी भी हंस हंस के, मैं हंस हंस के चढ़ता हूँ, रो रो के नहीं चढ़ता हूँ, और तुम तो बैठे बैठे रो के रो के मर जाता है। उसको फांसी पर चढ़ाया गया क्राइस्ट को, तो भी हंस के चढ़ा, तो ऐसी फांसी की सजा भी आ जाए तो भी वो हंस के और अपने शरीर को पहले ही छोड़ देता। ये संत के संग की बड़ाई है भाई, जन्म मरण के चक्कर से ही, गुरु के संग से जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाता है। चाहे परमात्मा उनको जन्म मरण में भेजे भी, तो भी गुरु के संग से जन्म मरण चक्कर जो है कट गए। चाहे वो भगवान को बोलता नहीं है हमको भाई सजा नहीं देना, हमको दुख नहीं भेजना, भगवान हमको दुख का दिन नहीं दिखाना, भगवान हमारे पास बीमारी नहीं भेजना, भगवान हमारे को मारना नहीं, भगवान हमारे बेटे को नहीं मारना, ऐसा दुख नहीं भेजना, ऐसा नहीं बोलता है। बोलता है जो जो कर्म जिसने किया उसको सजा दियो, इसने भी किया था उसको भी दियो। लेकिन सजा लगती कहाँ है? जब मिलती भी है शरीर को कुछ भी आए या दूसरे को कुछ भी आए तो लगेगा ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी तो हंसता ही रहेगा, बोलेगा मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को और भी भोगने वाला हूँ, लेकिन भोगने वाला नहीं। तो अपने शांत में अपने संत के संग में रहता है, ऐसे प्यारे के संग में रहता है, प्रेम में उसका शरीर भूल जाता है। संत के संग में सूरी भी कांटा बन गया, कांटा भी नहीं लगता। तो दोनों पैंट जो है वो अलग अलग राइट है। देह अभ्यास जिसको है, देह का अभिमान है कि मैं हूँ, वही दुखी सुखी होता। दुनिया में दुख सुख देने वाला केवल तुम्हारी होम है। अभी होम है कैसे जाए? ये जो तुम्हारे में होम है आके पड़ी, शुरू में ही जैसे तुमने जन्म लिया, बच्चा भी बोलता है मैं, जवान भी बोलता है मैं, बुढ़ा भी बोलता है मैं, फिर जब तुम मरता है बोला मैं मरता हूँ। तो मैं कौन सी है? ये तुम्हारी मैं है देह की, लेकिन जो आत्मा समझता है वो कभी नहीं बोलेगा मैं मरता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। आत्मा कभी दुखी सुखी होता है? आत्मा कभी जन्म और मरण में आता है? आत्मा सभी विकारों से ऊपर है, आत्मा निर्विकारी है, देह विकारी है, देह चेंजेबल है, देह आने जाने वाली है, लेकिन आत्मा कभी आता जाता नहीं, आत्मा कभी जन्मता मरता नहीं। तो ये होमय को अच्छी तरह से जानना, क्यों बोला है दीर्घ रोग है, क्योंकि बहुत जन्म से तुम होमय करता आया जन्म के चक्कर में 84 लाख जूनियों में आया गया, लेकिन ये मंच दे ही मिली है होमय को मारने के लिए। तो होमय कैसे मरे? होमय मरने का उपाय क्या है, तुमने कभी सोचा है? तुम सब बताओ होमय मरने का उपाय क्या है, होमय कैसे मरती है? ये जो मैं ये जो अभिमान है वो कैसे मरा जाए, ये अभिमान कैसा जाए? होमय दीर्घ रोग है, वो रोग कैसा जाता है, उसकी दवाई क्या है? तुम जो सब बैठे हैं बताओ। हाँ, हरि दर्शन की आरती सत ग्रांति दे, लखना चाहे अलग को तो उसी में लख। अगर जो अलग है जिसको कोई लख नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, तो गुरु है आरती, गुरु है आईना, नहीं तो हर एक में दूसरे की बुद्धि पड़ी है, दो की, जैसे कुत्ता होता है ना आईने में हमेशा दूसरा देखता है, लेकिन एक मनुष्य है जो आईने में देखता है तो मैं। ऐसी तरह से ये जगत भी एक आईना है, गुरु भी आईना है। गुरु के सामने आके हमको अपने विकार का पता लगता है, कौन सा विकार है, कौन सी इच्छा करें। अगर हमारा गुरु निरिच्छा है तो हम गाय के लिए इच्छा में रहते हैं। अगर हमारा गुरु असंग होता है, जैसे कृष्ण ने बोला तो हम, मेरा कर्म दिव्य है, मेरा जन्म दिव्य है, मैं अजन्मा हूं, मेरा कोई जन्म नहीं हुआ है, तो हमारा भी जन्म नहीं था। आई एम सन ऑफ गॉड। हम जब छोटे थे तो बचपन में हमको बताया गया तो तुमको माँ बाप ने कहता, जब स्कूल में गया तो स्कूल में बताया गया ये जो है आंख तुमको भगवान ने दिया, ये नाक तुमको भगवान ने दिया, ये शरीर तो ये जो बीमारी है, मैं हूँ शरीर ये बीमारी है, मैं हूँ आत्मा ये दवाई है ना। ओम सतगुण प्रसाद, ओम ओम मन, मैं आत्मा हूँ, मैं वो हूँ, ओम सोहम अहम ब्रह्म, सो प्रभु जो है सो मैं हूँ, आत्मा मैं हूँ, परमात्मा मैं हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, ये है दवाई। ओम के आवाज से, ओम के शस्त्र से तुम इस होमय को मार सकते है, ओम की तलवार लेके तुम होमय को मार सकता है। ओम मन मैं आत्मा हूँ, होमय मन मैं देह हूँ, यही है दवाई। ओम है दवाई, जब तुम ओम बोलता है तो तुम उसके अर्थ में टिकना, ऐसा नहीं मेरे को ओम मुंबई खाली कहने का है, भाई मैं ना जप करता हूँ सुबह को उठ के ओम ओम बोलता हूँ, ओम ओम बोला तो सही लेकिन उसका अर्थ क्या है बताओ, अर्थ किसने सुनाया तुमको?
भाई से ओम ओम खाली बोलता है, मरने के टाइम भाई ओम बोल के और मरना तो मुक्त हो जाएगा। ओम बोला तो क्या हुआ, मुख से राम राम बोला तो क्या हुआ, राम राम तो तोता भी बोलता है, हरी ओम तो तोता भी बोलता है, लेकिन उसको अर्थ का पता नहीं है। तोता तो मुक्त होता है ओम करके। कितना भी तुम ओम करो, जब तक अर्थ का पता नहीं है तो ओम का कोई फायदा नहीं है। चाहे मरने के टाइम कोई ओम ओम करता मर जाए तो भी मुक्त नहीं है, क्योंकि उसके मन में वासना बड़ी पड़ी, खाली जबान से उसने ओम ओम बोला। क्योंकि शास्त्रों में लिखा पड़ा है जो अंत वेले में आत्मा में रहता है, ओम में रहता है भाई, उसको जो है वो उत्तरायण में रहता है, उसको मुक्ति मिलती है। तो आदमी समझता है ओम बोलेगा अंत में तो मुक्त हो जाएगा, बोलने का इधर काम ही नहीं है, जबान से कुछ भी बोलने का जरूर नहीं है, लेकिन ओम का अर्थ क्या है, मैं आत्मा हूं, वो चाहे ओम बोले या नहीं बोले, लेकिन अंदर में अर्थ रखे, मीनिंग क्या है ओम का, मैं आत्मा हूं, सो मैं हूं, सो प्रभु मैं हूं, ऐसा जिसने निश्चय किया है वो जो है वो मुक्त है। तो ज्ञानी तत्व के निश्चय से ही मुक्त है, और अज्ञानी क्या भी करे, ओम क्यों बोलता है, नारायण क्यों बोलता है, भगवान क्यों बोलता है, कुछ भी बोले, कोई भी साधन यतन करे तो भी मुक्त नहीं है, क्योंकि अज्ञान पड़ा है पेट में, अज्ञान पड़ा है अंदर में, देह ध्यास पड़ा है अंदर में। देह ध्यास ही कुछ भी करे, उल्टा लटके भले कितना भी साधन करे, समाधि करे, ध्यान करे, साधन करे, अकेले में बैठे भाई मैं ओम ओम जपता हूं, मैं समाधि में बैठता हूं, तो भी मन में अगर अज्ञान भरा पड़ा है, मन में अगर हो मैं है, तो वो जन्म मरण के चक्कर में जाए। तो हो मैं जाता है ओम के अर्थ से, ओम का अर्थ गुरु के मुख से हमको सुनने का, ऐसा नहीं पढ़ने का, लिखने का या बोलने का। गुरु रोज हमको महावाक्य का महावाक्य अपने मुख से सुनाए। ब्रह्मनिष्ठी और ब्रह्म श्रोत्री गुरु जो है वो जब भी ओम बोलेगा और ओम का अर्थ सुनाएगा तो हमारे अंदर में जाएगा। बाकी हम कितनी भी व्याख्या करें ओम की, कितना भी लिखें, पढ़ें, बोलें, कुछ नहीं होगा। जब गुरु तीर मारेगा, बैठ एकांत गुरु तीर जो मारा शिव हम देश पठाया, एकांत में बैठ के जब भी गुरु तीर मारता है कि शिव हम ओ हम सो तू है हम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि, जब गुरु ऐसा हमको बोलेगा कि तू भगवान है, वो ठप्पा हो गया तुम्हारे ऊपर। तो गुरु के ठप्पे लगने के सिवाय कितना भी तुमको ज्ञान होएगा, ज्ञान नहीं लगे। सतगुरु बिन जो हरी मिल जाए, हरी मिलने पर भी मन का भेद भ्रम नहीं जाए। सतगुरु के सिवाय चाहे हरी मिल भी गया तो भी वो हरी ऐसा मिला जैसे ठप्पे के सिवाय दूध, हमारे पास दूध आता है ना, ठप्पा लगाई नहीं पड़ा, ऊपर से वो जो बाट भी आती है ना उसके ऊपर जो ढकना है फिट नहीं है, समझो तो दूध खराब है। अगर ऊपर से फिट है ढकना और अच्छी तरह से ठप्पा लगा पड़ा है गवर्नमेंट का, तभी हम समझेंगे दूध राइट है। ऐसी तरह से तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान है लेकिन गुरु का ठप्पा नहीं हुआ, गुरु ने तुमको पास किया बराबर, तुम आत्मा में है, तुम्हारी परीक्षा लेके नीचे ऊपर मान अपमान इच्छा वासना सब तुम्हारी देखेगा। अरे देखा क्यों, क्यों गया, क्यों इसे बोला, क्या देखा, क्या किधर गया, क्यों गया, हमारे छुट्टी के साथ तुम नीचे भी क्यों उतरा, एक सीढ़ी किससे छुट्टी मिला, किससे छुट्टी लिया, तो तुम्हारी वासना इच्छा का इसे कर्म में पता चल गया भाई, तुम अपनी इच्छा से क्यों गया, अपनी इच्छा से क्यों बैठा, अपनी इच्छा से क्यों खाया, अपनी इच्छा से क्यों सोया। तो टोटली तुम्हारी इच्छा और वासना गुरु के संग में जाती है, गुरु तुम्हारा इम्तिहान लेके तुमको पास करे, ठप्पा लगाए भाई बराबर तू आत्मा है, तुम्हारे में कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। गुरु देखेगा तुमको खाने की, पीने की, सिगरेट की, चाय की, दूध की, किसकी इच्छा, किसके सिवा तुम रह नहीं सकता है, मैं औरत के सिवा रह नहीं सकता हूँ, मैं बच्चे के सिवा रह नहीं सकता हूँ, मेरे को ना बच्चा याद आता है, इधर कोई आता है ना आके रहता है समझो तो घर बार याद आता है, मैं ना दो महीना तीन महीना रहेगा फिर बोलेगा मैं जाऊं, मेरे को घरवाला बुलाता है, मेरे को याद आता है सपने में बेटा आया, बाहर से तो तुम इधर बैठेगा, सपने में तुम्हारी माया जो है ना जो छोड़ के आया वो याद आएगी। अगर तुम्हारा मन माया में होगा और हो मैं में है, हो मैं मना सारा जगत तुम्हारे में पड़ा, चाहे तुम शरीर को अकेला इधर लेके बैठो या अकेला जाके जंगल में बैठो, अकेला जाके समाधि में बैठो, अकेला जाके रूम में बैठो, तो भी सारा जगत तुम्हारे साथ है कि वो हो मैं है। ये हो मैं की बीमारी गुरु के संग में निकलती है, रोज सत्संग करने से निकलती है, रोज कोई तुमको डंडा लगाए कि तू शरीर नहीं है तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है तू आत्मा है, रोज का डंडा जरूरी। जब रोज ऐसे सत्संग में तुम बैठेगे और ऐसी वार्ता चलेगी सच की, तभी तुम्हारी हो मैं जाती है। होमय का पर्दा इतना है मल विखे आवरण, ये सब होमय का पर्दा है,
जब तुम होमय में है, शरीर में है, तो तुम्हारे में मल है। मल माना मलिनता, मन में मलिन ख्याल, विषय विकारी ख्याल चलता रहता है। क्योंकि तुम शरीर है तो देह में सब इच्छाएं हैं, देह में सब वासनाएं हैं, देह में अंतःकरण है, तो मन उधर रहता ही है। मन माना शैतानी ख्याल, मन माना सारा जगत उसमें पड़ा, जिसको अंतःकरण है, जीव भाव है, सारा जगत तुम्हारे अंदर भरा पड़ा। तो तुम कितना भी बाहर का साधन करो तो हो मैं मैल न जाए, नमक नमक कर शरीर कटावे तो भी हो मैं मैल न जावे। शरीर कटावे हो मैं कर राती, व्रत नेम करे बहु भाती, नहीं तो राम नाम विचार, गुरुमुख नाम जपे एक बार। कितना भी व्रत रखो, नेम रखो, शरीर को कटाओ, लेकिन विचार कैसे है? जो विचार है सत्य सत का विचार तुम्हारे में नहीं है, जब तक आत्मा का विचार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितना भी साधन यत्न करो, और आत्मा का विचार गुरुमुख नाम जपे एक बार, गुरु के मुख से ये नाम कैच करो कि मैं कौन, एक बारी जपो कि मैं क्या हूं, मैं कैसे आत्मा हूं। गुरु बोलता है तू आत्मा है, मैं दुखी सुखी होता हूं, मैं आत्मा कैसे, क्योंकि तुम देह में है तो दुखी सुखी होएगा, देह में है तो इच्छा वासना भी रहेगी, देह में सब चीज रहेगी। जब तुम देह में होगा सारा जगत है तुम्हारे पास, काम भी बैठेगा, जगत का फुरना चलेगा, संकल्प विकल्प चलेगा, बेटा बेटी याद आएगा, क्योंकि मन में संसार भरा पड़ा, तुम्हारे मन में संसार आ गया। बाहर से चाहे संसार छोड़ के जंगल में जाओ, लेकिन मन में संसार भरा पड़ा तो उधर भी तुम गिर सकता है। कौन से भी जंगल में जाके बैठो, मन में वासना है तो गिर जाएगा, सपने में भी गिर जाएगा, सपने में भी तुम्हारी स्त्री आके तुमको गिराएगी। चाहे बाहर से स्त्री को छोड़ के जाओ, बच्चे के छोड़ के जाओ, बच्चा सपने में आएगा, मोह में तुम मरेगा, तुम देखेगा सपने में मेरा बच्चा मर गया था, पीछे मेरे को बहुत रोना आया, तो तुम्हारा मोह उधर भी सपने में भी देखेंगे, वासना भी सपने में होगी, लोग भी सपने में होगा, अरे मेरा पैसा कोई खा गया, पैसा मेरा चला गया, सपने में देखा मैं गरीब हो गया,